कि ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र के और हर पल विकास के बारे में सोचते हैं, विकास के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आगे के उद्बोधन के लिए मैं पटेल साहब से निमंत्रित करूंगा, पटेल साहब अपना उद्बोधन दे रहे हैं। भारत माता की जय। जेबीएन वंदे मातरम क्रिकेट क्लब उदयपुर द्वारा आयोजित क्रिकेट के इस टूर्नामेंट के अवसर पर हमारे यहां विराजमान मेरे साथ पूर्व सरपंच भाई जमनालाल जी गुजर साहब, दबोक से युवा नेता भाई भुस्कर जी जो आपके एंकरिंग भी कर रहे हैं, यहां के वार्डबन साहब भाई गणेश जी और यहां विराजे हुए समस्त मोहतबीरगण भाइयों दोस्तों खिलाड़ी गणों, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे याद किया। उसकर भाई दो बार फोन आ गया था, कल मैं बॉम्बे था, फोन आया, मैंने कहा मैं आऊंगा जरूर, सुबह थोड़ा लेट 10 बजे के लिए भी बोला था पर आने में थोड़ी देर हो गई। तहे दिल से आपका धन्यवाद है, मैं तो आपका जाना पहचाना ही हूं चेहरा। उसकर भाई बता रहे मेरे को तो ये है कि मैं काश्तकार परिवार से हूं, किसान कौम से हूं, तो मुझे तो किसानों की समस्या हो या युवा साथियों की, तो रोज मैं आप सबसे जुड़ा रहता हूं, तो मुझे तो पता ही है। उसकर भाई को बताऊंगा कि ये वल्लभ नगर विधानसभा है या दो बार मैं भी खेल खेल चुका हूं, 2018 में भी खेला हूं और 2021 में भी, इसलिए मैं तो कहता हूं भाई जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो विजेता है उसको भी बधाई, उप विजेता को भी बधाई और जो हार जाते हैं उनको भी मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि अगली बार और अच्छी तैयारी करेंगे, आगे जोश आता है अगली बार वापिस खेलने का, इसलिए खेल को खेल की भावना से खेलें। मगर आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन, एक व्यवस्थित आयोजन रखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सबसे। एक मकर संक्रांति की भी आपको बधाई, बस यही चाहूंगा कि सबका आशीर्वाद बना रहे और मेरे लायक भी कई सहयोग हो इस टूर्नामेंट में, तो मैं भी तैयार हूं भाई वार्डबन साहब या भुस्कर जी जो भी बताए मैं तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको खेलते हुए बीच में रोका इसके लिए भी माफी चाहूंगा। टूर्नामेंट चल रहा है, खिलाड़ी क्या जोश में रहते हैं, उसके भाई बार के बार कह रहे आप आ जाओ, पर एक खेल तो खेल की वो उस टाइम जोश जो रहता है। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजन मंडल को भी, तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने ये आयोजन रखा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री उदयलाल जी का स्वागत धूनी माता पंचायत के वार्डपंच साहब पुष्कर जी के द्वारा होगा और इन्होंने बहुत ही मेहनत की है और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। युवा शक्ति उदयलाल जी आधी रात को भी फोन करते हैं तो फोन उठाते हैं, तो ऐसा कुछ भी काम होता है करते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। हमारे जन जन के लाडले उदयलाल जी डांगी साहब जो है ऐसे जमीन स्तर से जुड़े हुए नेता है जो प्रत्येक गांव में प्रत्येक पंचायत में जो जमीन स्तर पर साहब ने कार्य किया है। साहब का परिचय आप सभी को पता है, साहब बड़े ही व्यक्तित्व के बने रहे हैं और साहब को जो है किसी पार्टी से या किसी व्यक्तिगत किसी चीज से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी केवल है तो साहब के विकास के लिए है। साहब केवल वल्लभ नगर में विकास करना चाहते हैं, विकास की जो है पावन धरा करना चाहते हैं। वल्लभ नगर में ऐसे व्यक्तित्व के धनी है हमारे उदयलाल जी डांगी साहब, क्योंकि इन्होंने जो है एक लोकल किसान परिवार से जन्म लिया है और ये किसान का जो क्या दुख होता है क्या सुख होता है ये सब साहब को पता है। हमारे उदयलाल जी डांगी साहब किसानों की हर समस्या को जानते हैं, चाहे पानी के लेकर समस्या हो, चाहे खाद को लेकर समस्या हो, चाहे जमीन स्तर से जो बिजली नहीं आ रही है उस बिजली की समस्या हो, तो ऐसे हमारे उदयलाल जी डांगी साहब है कि प्रत्येक स्तर पर जमीन स्तर पर किसानों से जुड़े हुए हैं और किसानों का जो है हित के बारे में सोचते हैं हमारे उदयलाल जी डांगी साहब। उदयलाल जी डांगी साहब से निवेदन करूंगा मैं कि अब जो टूर्नामेंट जो अगला जो मैच हो रहा है वो अगली टीमों के उत्साह के लिए आप पिच पे पधारेंगे और एक बार आप जो है बैट उठा के वापस छक्का मारेंगे, हमें निवेदन है आप पधारे, आपका बहुत